हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड फ्रेंड। इस समय बजने वाले हैं सुबह के 8 और हम लोग भी हैं ऊपर छत में, और क्योंकि मम्मी ने कहा था कि गेहूं वगैरह छत में रख देना, इसीलिए हम लोग भी आ गए हैं सुबह सुबह ऊपर छत में गेहूं रखने के लिए। सो फ्रेंड्स, गेहूं भी अच्छी तरीके से यहाँ पर सूखने के लिए रख दिए हैं। मम्मी के आने से पहले मम्मी ने जितने भी काम बोल रखे हैं वो सारे काम कम्प्लीट करने हैं, ताकि मम्मी आते ही खुश हो जाए। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो हम लोगों ने गेहूं वगैरह भी ऊपर अच्छी तरीके से सुखाने के लिए रख दिए हैं, तो अब चलेंगे नीचे और नीचे जाकर के हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी बन गया है, बस भाई और जय का उठने का इंतज़ार था। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग भी नीचे। अभी से बहुत तेज़ धूप आने लग गई है, आजकल 3-4 दिन से बहुत गर्म, तो चलते हैं नीचे। और बिजलू भी म्याऊं म्याऊं करने लग गया, देखते हैं बिजलू क्या मांग रहा है। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं सुबह के 8:30 और अब रेडी हैं हम लोग भी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, बिकॉज मम्मी ने जितने भी काम बोले थे सारे काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। और भाई तो अभी तक उठा नहीं है, आ रहा है वो, ब्रश कर दिया, आ रहा है वो रास्ते में भाई रास्ते में अभी यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, तो जब तक भाई पहुँचता है हम लोग तो स्टार्ट कर देते हैं अपना ब्रेकफास्ट। वैसे ही भाई के वजह से बहुत लेट होता है रोज। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं 12:00 और हम लोग फिर से आ गए हैं छत में, बिकॉज काफ़ी काले काले बादल आ गए हैं, बट बारिश होगी नहीं होगी ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप भी है और काले बादल भी लगे हुए हैं। बट हम लोगों ने सारे गेहूं संभालना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है मौसम का। जितने स्पीड में सुबह गेहूं सुखाने के लिए रखे थे धूप में, उतने ही स्पीड में अभी हम लोगों ने यहाँ से सारे गेहूं संभाल भी दिए हैं। भाई कर रहा है हेल्प, भाई का ऑफिस का टाइम भी होने वाला है, इसीलिए भाई कुछ ज़्यादा ही स्पीड में काम कर रहे हैं। आसमान में बादल लगे हुए हैं, बट बहुत तेज की धूप हो रखी है, पता नहीं बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ऊपर छत से मैं नीचे को आ रही थी तो बिजलू म्याऊं म्याऊं करके कह रहा था कि मेरे वीडियो बनाते हुए जाओ, इसीलिए इसकी वीडियो बनाई जा रही है। बिजलू भी खा पी करके दोबारा से सो गया है, इसका काम है सोए रहना और म्याऊं म्याऊं करना। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी आ गए ऊपर छत से नीचे सारे गेहूं फटाफट से संभाल कर, और भाई तो तुरंत अपने ऑफिस के काम पर भी लग गया है, बिकॉज भाई का टाइम हो ही गया था ऑफिस का भी। हेमा दी की तो हालत हो गई खराब, क्योंकि छत में बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऊपर से एक बाल्टी पानी डाल दिया किसी ने मुझ पर, और गेहूं उठा तो दिए बोरी में तो रख दिया, अगर बारिश नहीं आएगी तो हमारा झंडू। फिर मम्मी कहेगी तुम लोगों ने गेहूं क्यों नहीं रखे धूप में, बट मम्मी को क्या मालूम कि हमने धूप में रख करके दोबारा से संभाल भी दिया है। इतने मोटे मोटे बादल आए, कोई भरोसा नहीं है, सडनली बारिश आ जाएगी तो कौन उठाएगा अचानक, क्योंकि खराब होने के चांसेस है। अगर बारिश आ गई और हमने अगर गेहूं नहीं संभाले रहेंगे तो सारे गेहूं बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने संभाल दिए। धूप आ जाएगी तो कोई बात नहीं, दोबारा से फैला देंगे गेहूं को। तो फिलहाल तो हम लोग आ गए हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं 12:01 और मम्मी भी पहुंच गए हैं घर, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और मम्मी भी काफ़ी थक गए हैं, तो मम्मी को हेमदी दे रही है रूह अफ़ज़ा का पानी, और मम्मी के आते ही बिजलू भी यहाँ पहुँच गया है। सो फ्रेंड्स, मम्मी लेकर आ रखी हैं जय के लिए हर प्रकार के ओयस, लाल पीला नीला हरा, क्योंकि जय को ओयस पसंद है, और साथ में मम्मी लेकर के आ रखे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो फ्रेंड्स, अब पियेंगे हम लोग सब मिलकर के कोल्ड ड्रिंक और खाएंगे ओयस, जय की तो लॉटरी लग गई। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं 2:02 और रेडी है हम लोगों का भी 2:00 का लंच। तो फ्रेंड्स, भाई तो ऑफिस का काम भी कर रहा है और साथ ही साथ लंच भी कर रहा है, और अभी हम लोग फिलहाल करते हैं अपना लंच, क्योंकि आज तो बहुत गर्म हो रहा है और लाइट भी नहीं है सुबह से, तो ऐसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा आज लंच। और जय तो कितना परेशान हो गया गर्म से, प्रदेश में ऊर्जा नहीं मिल रही है जय को, तो कितना गर्म हो रहा है साफ मालूम चल रहा है, वो गर्मी से बहुत परेशान हो गया है। ये आ गया भाई जो सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान आज भाई रह रहा है, एक तो गर्म, ऊपर से लाइट की प्रॉब्लम, दूसरा वर्क फ्रॉम होम। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग करते हैं अपना लंच।
सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं शाम के 6:30 और हम लोग भी आ गए हैं घर के बाहर। बड़ी मुश्किल से अब जाकर के मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है, वरना 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और मम्मी तो पी रहे हैं कॉफ़ी, हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, और भाई तो कर रहा है अंदर अपना ऑफिस का काम, बिकॉज 9:30 बजे तक तो भाई का ऑफिस का काम चलेगा। और जय गया हुआ है आगे फील्ड में वॉलीबॉल खेलने के लिए, और बिजलू बैठा हुआ है अंदर। बिजलू भी परेशान है गर्म से, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठीक हो चुका है, इसीलिए बिजलू भी बाहर आकर के बैठा हुआ है। क्योंकि सुबह से बहुत गर्म था, अब जाकर के मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, इसीलिए बिजलू भी बाहर है। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने तो स्टार्ट कर दी है अपनी गार्डनिंग। तुलसी के पौधों में पानी डाल रहे हैं अभी मम्मी। इस साइड को पूरी तुलसी है और गमले में फ्लावर्स है। जब पता है तुलसी में पानी नहीं डालते शाम के समय, तो क्यों डाल रहे हो? क्योंकि सूख रहे हैं तुलसी के पौधे, इसीलिए डाल रहे हैं मम्मी पानी। बिजलू कहाँ की तैयारी कर रहा है? हो रहा है तेरा टाइम जाने का बिजलू? टाइम हो रहा है जाने का? सो फ्रेंड्स, क्योंकि हो चुका है बाहर का काम कंप्लीट और गार्डनिंग वगैरह भी कर लिया है, तो हम लोग भी आ गए हैं अंदर और बिजलू भी चला गया है। काफ़ी दिनों से फूलों में पानी वगैरह नहीं डाल रखा था, तो फूल के पौधे वगैरह सब सूख गए थे, इसीलिए आज मम्मी ने कर दिया है गार्डनिंग का काम, फूलों में पानी वगैरह भी डाल दिया। और क्योंकि अभी हो चुका है मम्मी का भी पूजा करने का टाइम, तो इसीलिए हम लोग भी आ गए हैं अंदर और अब मम्मी करेंगे पूजा। सो फ्रेंड्स, हेमा दी भी कर रही है रात के डिनर की तैयारी, और आज सब्जी में बनने वाली है हरी सब्जी। आज मम्मी लेकर आ रखे हैं फ्रेश हरी सब्जी। जब मामा के घर से आ रहे थे तो हल्द्वानी मार्केट से मम्मी ले आए हरी सब्जी। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं 9:30 और हम लोगों का डिनर भी हो चुका है तैयार, और भाई का भी हो चुका है ऑफिस का काम कंप्लीट। तो अब हम लोग करेंगे अपना रात का डिनर, और आज डिनर में है रोटी, हरी सब्जी और बॉइल एग। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।